हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पे। आज मैं आपको इंस्टेंट चकली की रेसिपी बताऊंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मिनटों में बन जाती है, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एकदम हेल्दी है। वाओ, इसमें ना तो सोडा यूज़ करेंगे ना ही कुछ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंस्टेंट चकली की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बिना बेसन, बिना चावल, बिना सोडे की चकली बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 कप फुल मैदा लिया है। बहुत इंस्टेंट बन जाती है चकली और खाने में भी बहुत ही कुरकुरी होती है। 1 कप मैदे में मैं यहाँ पर 3 कप ज्वारी का आटा लूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज्वार का आटा लेंगे, इससे हमारी कुरकुरी बहुत बढ़िया बन जाती है। इसमें हमें सोडा भी डालने की ज़रूरत नहीं। 1 कप, 2 कप और ये 3 कप, हमने 3 कप ज्वार का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ का पाउडर। मैंने सौंफ और अखा धनिया को हल्का सा भूनकर उसकी पाउडर कर ली है, थोड़ी दरदरी पीसी है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून फुल वाइट वाले तिल डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। 3 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट से कम ज़्यादा ले सकते हो। 1, 2 और 3, 3 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/8 स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, हम इसमें मोहन के लिए ना ही तेल का यूज़ करेंगे और ना ही डालडे का और ना सोडा यूज़ करेंगे, हम इसमें घी यूज़ करेंगे। जी हाँ, देसी घी यूज़ करेंगे मोहन के लिए। मैं यहाँ पे 1/3 कप घी डाल रही हूँ। मैंने 1/3 कप घी लिया है, घी से बहुत बढ़िया बन जाती है। फ्रेंड्स, अब हम इसका हल्के गुनगुने पहले मोहन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्के गुनगुने से इसका आटा गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, सेम टू सेम वैसे ही सॉफ्ट आटा गूंदना है। सबसे पहले हम मोहन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसमें भी मोहन वैसे ही लेना है जैसे ऐसे मुट्ठी बन बांधते ही इसका डल्ला बन जाना चाहिए, इतना मोहन डालना है ताकि हमारी एकदम बढ़िया चकली बन जाएगी। और आटा गूंदने को हम गुनगुना पानी लेंगे, क्योंकि तो हमने घी का मोहन डाला है, ठंडे पानी से घी ठस जाता है, फिर आटा कड़क हो जाता है। इसके लिए आटा सॉफ्ट रहता है, गर्म पानी से आटा गूंदें। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। ये देखिए, सेम टू सेम जैसे रोटी के लिए आटा बनाते हैं वैसे ही सॉफ्ट आटा गूंदना है। अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भीग कर अच्छे से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसका रोल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ मैंने इस तरीके से इसका रोल कर लिया है। यहाँ मेरे पास ऐसे चकली बनाने का साँचा है, इसमें इस तरीके से रिंग लगी होती है जिससे कि स्टार वाला नोजल है, जिससे कि चकली गिरेगी अच्छे से। ये इस तरह से नोजल होता है, इसे हम इसमें लगा लेंगे साँचे को। और अब हम इसमें अपना ये जो रोल हमने बनाया है चकली के मिश्रण से, ये हम इसमें भर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें मिश्रण भर लिया है चकली का। अब ढक्कन लगा लेंगे। इस तरह से ढक्कन लगाने के बाद में हम इसे थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि इसमें जो एयर होगी वो निकल लेगी। इस तरह से इसे प्रेस करना है और फिर चकली बना लेना है एक प्लेट में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पे चकली बना ली है साँचे से। या एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे।
इस तरह एक पलटा लेके ऐसे डाल लेंगे और चकली को ऑयल में डालेंगे। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अब हम इसे हिला लेंगे, हम चकली को पलट लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं डालना है हमें, एकदम गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और हल्के ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। यदि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए हो तो इसे थोड़ा डार्क होने दें, वरना थोड़ा लाइट ब्राउन ही होने दें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा फ्राई करें। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी टेस्ट में और कड़वी लगने लगेगी। और स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पकेगी। यदि हाई फ्लेम पर करोगे तो ऊपर से तो डार्क हो जाएगी और अंदर से नरम रहेगी, तो थोड़ी देर में ही वो रबर के जैसे हो जाएगी। इसके लिए स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे से फ्राई होने दें। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चकली को कितना बढ़िया कलर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये काफ़ी कुरकुरी भी हो चुकी है, एकदम बढ़िया बन चुकी है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ मैंने और भी चकलियाँ बना के रखी हैं, सो इनको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप कढ़ाई में उतनी चकली डालें जितनी आप हिलाने में आसानी हो आपको, जितनी आप मैनेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम इसी तरह हम बाकी सारे भी चकली को फ्राई कर लेंगे और चकलियाँ बना लेंगे। फटाफट बन जाती है ना, इसमें चावल सेकने का टेंशन है ना दाल सेकने का। इसमें बेसन भी नहीं है और बिल्कुल हेल्दी चीज़ यानी ज्वारी का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्वारी का आटा, और सिर्फ एक कप मैदा लिया है हमने तो 3 कप ज्वार का आटा लिया है। फटाफट बन जाती है, इंस्टेंट चकली है। इस बाकी के मिश्रण की भी हम इसी तरह सारे चकलियाँ बना लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चकली बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितनी बढ़िया बनी है आप देख सकते हो। ये देखिए, मैं आपको एक चकली बताती हूँ, देखिए कितना बढ़िया इस पर स्ट्रक्चर भी आया है। तिल डालने से इसमें बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है और दिखने में भी बहुत बढ़िया दिखती है। सो फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है, इंस्टेंट बन जाती है और एकदम हेल्दी भी है, ज़रा भी ऑयली नहीं है आप देख सकते हो। ये देखिए, ज़रा सा भी ऑयल नहीं आ रहा हाथ पे, एकदम ड्राई है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चकली तोड़ के बताती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए, कितनी आसानी से टूट रही है, खाने में भी बड़ी क्रिस्पी है। वाओ, एकदम क्रिस्पी बनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।